एक महीना हो गया उन शबूतों को जेल के शलाकों के पीछे, जो भगवान गुरु रविदास जी के मंदिर तुगलकाबाद को नमस्कार करने के लिए गए थे। कई तरह से मीटिंगों के दौर चलते रहे, आश्वासन मिलते रहे, और जब भी बातें हुई तो चार छह दिन के अंदर अंदर आपके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, आपके जो मंदिर की जमीन है आपको दे दी जाएगी। लेकिन इन बातों को सुनते सुनते पूरा एक महीना हो गया। आज उन बच्चों को पकड़े जाने के विरोध में ये धरना प्रदर्शन, उन बच्चों को बिना शर्त रिहा करने की मांग के रूप में ये उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन, मैं इस कड़ी में बहुत सारे वक्ता हमारे यहाँ पर बोले हैं, और मैं देखता हूँ कि सुबह को 9 बजे से हम लोगों का मीटिंगों का दौर माननीय केसी रवि साहब के मार्गदर्शन में शुरू होता है और रात को हमें 1 बज जाता है। साथियों, आप सबकी इच्छा है कि मैं भी बोलूं, वही कि 21 अगस्त मुझे अब दिखाई देने लगा है, हर किसी की इच्छा है मैं भी बोलूं। उसके समर्थक आकर के संचालक को मजबूर करते हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपके दिल में गुरु जी के लिए प्यार है, आपके दिल में उन 96 बच्चों के लिए प्यार है जिन बच्चों की आवाज को बंद कर दिया गया है। आप उनकी आवाज बनकर माइक पर बोलना चाहते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंच की अपनी मर्यादाएं हैं। आपकी प्रतिभा, आपका वैभव, आपका व्यक्तित्व, हम उसको सलाम करते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर आप तक ये माइक ना पहुंच पाए तो इन वक्ताओं में भी आप अपना ही रूप देखें, जो बात आप कहना चाहते हैं और इन्होंने नहीं कही, आप तक माइक नहीं पहुंचा तो एक चिट्ठी पर लिख करके यहाँ भेज दें कि ये बात रह गई है बोले बगैर। साथियों, हम फिर भी कोशिश करेंगे, आपको समय दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।